जी भाई लोग, अभी हमें पता चला हाल ही में कि दी वैक्सीन वॉर का ट्रेलर या टीजर आ चुका है, तो उसके ऊपर रिएक्शन कर लेते हैं। मूवी 28 सितंबर को ही आने वाली है, बहुत शॉर्ट पीरियड में इन्होंने ट्रेलर ड्रॉप किया अपना। देखते हैं क्या इस बार लेकर आए हैं हमारे विवेक अग्निहोत्री साहब। चालू करें 3 2 1 चालू। नाइस मंकी। हाँ सुना मैंने, क्या हुआ? आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे? मेरे नहीं सर, भारत के साइंटिस्ट। मैंने फैसला किया हम वैक्सीन बनाएंगे, तब तक हमारे लिए ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी। क्या इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है? तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो, इंडिया कांट डू इट। इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी, हमारी लड़ाई वायरस के साथ। क्या ये वायरस नेचुरल म्यूटेशन है या रिवर्स इंजीनियरिंग से लैब में बनाया गया? वैक्सीन 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 के अलावा भी हमारी कोई लाइफ है? वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। I'm not going to die, girls. We're scientists, you know. हमारे लैब में इतनी सारी औरतें क्यों? Because we're brave. We can do it. War है ये, और हम सब soldiers. Soldier का काम होता है command लेना। किसकी command? अपने general की। कौन है आपका general? इधर देखो। आज के बाद अर्जुन की तरह हमें सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, सिर्फ मछली की आंख। एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी है। तोते की गर्दन मरोड़ दी और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। जैसा लग रहा था आंखों में बात कर रहे। स्कोर काफी बहुत खूबसूरत है यार। मतलब मुझको आई थिंक मुझको वो फील हुआ ना कि जब वो ऑडियंस रिएक्शन नीचे में छोटे से लिख के ऊपर मास्टरपीस इंस्पिरेशनल दे रहे थे, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वो जो स्कोर आया पीछे से और आप फील करते हो ना कि मतलब इनकी सिनेमाटोग्राफी, इनका मतलब पूरा डायरेक्शन कितना खूबसूरत है। एंड विवेक अग्निहोत्री का काम एक्चुअली में काफी ज्यादा क्या नहीं, मतलब आर्टिस्टिक एक सेंस में कह सकते हो कि वो ट्रू है उनकी तौर उनकी तरफ से, जो कि मुझे पसंद आया था। ताशकिन फाइल्स मैंने पूरी नहीं देखी, एक दिन टीवी पर चल रही थी, कॉन्वर्जेशन कुछ काफी इंगेजिंग था तो उसे मैं थोड़े टाइम तक फॉलो किया था, मगर मैंने ऐसे पूरा एज अ होल मूवी नहीं देखा हुआ। इसे मैं ज़रूर से देखूंगा, ऐसा नहीं मैं इसे स्किप तो नहीं करने वाला, मैं इसे ज़रूर से देखूंगा। एंड अगर एंड मुझे लगने लगा था कि भाई वो ऑडियंस रिएक्शन देंगे ऊपर नीचे क्या थोड़ा ज़्यादा लिख रहे हैं, लेकिन फिर जो स्कोर आया ना पीछे से तो फील होने लगा कि हाँ वो नहीं वो इंस्पिरेशनल फीलिंग दे सकते हैं अगर हम पूरा 2-2.5 जो भी लेंथ हो मूवी का अगर उसके साथ पूरा समय बिताएं कायदे से तो काफ़ी खूबसूरत निकल सकती है मूवी। खैर बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं तो ज़रूर जा रहा हूँ इसे देखने के लिए।